दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमानत खारिज कर दी है। इसके साथ ही मामले में अहम निर्देश जारी करते हुए बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को इतनी राहत जरूर दी है कि अगर मामले में जांच सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में वह फिर से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर कई बार सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्ज शीट भी दाखिल कर दी है। इसके साथ सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।